हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने PUBG मोबाइल के अंदर कंट्री रीजन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने PUBG मोबाइल का कंट्री रीजन कैसे चेंज करेंगे। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के किसी पार्ट को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपके नंबर पे जो वेरिफिकेशन कोड जो हमें मिलता है हमारे सिम नंबर पे, वो मौसूल नहीं होगा आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा कंट्री रीजन जो है वो इंडोनेशिया का लगा हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपना कंट्री रीजन चेंज करने के लिए एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने अपने PUBG के साथ लिंक करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ईमेल जो है उसको PUBG के साथ लिंक करता हूँ और उससे आगे का प्रोसेस मैं फिर आपको बताता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल को जो है इंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ऑब्टेन का ऑप्शन शो करता होगा, आपने ऑब्टेन पे क्लिक कर देना है और थोड़ा वेट करना है। थोड़ा वेट के बाद फ्रेंड्स, आपकी ईमेल पे एक मेल आ जाएगी जिसमें वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको सेंड किया होगा। आपने उस कोड को वहाँ से कॉपी करके इस वाले बॉक्स में जो है पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे वो मेल मौसूल हो चुकी है। यहाँ से इस कोड को मैं नोट करता हूँ और अपने जो वेरिफिकेशन कोड की जो जगह है वहाँ पे मैं इसको फिल करता हूँ। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के बाद आपने एक पासवर्ड रखना होता है, तो मैंने अपने लिए एक पासवर्ड सेट कर दिया है। सेट करने के बाद ओके पे प्रेस करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नाउ यू कैन लॉग इन विद मेल। तो सक्सेसफुली मेरा जो ईमेल जो है वो PUBG के साथ लिंक हो चुका है। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे, क्योंकि ये फेसबुक के साथ लॉगिन था। अभी हमने जो ईमेल जो हमने लिंक कर दिया था PUBG के साथ, उस ईमेल के ज़रिए हमने इस PUBG को लॉगिन करना है और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपना वही ईमेल और पासवर्ड लगाना है जो आपने अभी PUBG में लिंक कर दिया था। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आपने ओके प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा आएगा, उसको फिल कर देना है। उसके बाद ये ईमेल के ज़रिए लॉगिन होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं ईमेल के ज़रिए। हाँ फ्रेंड्स, हमने दोबारा से सेटिंग को ओपन कर लेना है और कंट्री रीजन का जो ऑप्शन है जहाँ पर चेंज लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, चेंज के बाद मैंने अभी इंडोनेशिया से पाकिस्तान में चेंज करना है। पहले मेरा इंडोनेशिया था, अभी मैं पाकिस्तान करूँगा। तो आप किसी और कंट्री का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक मोबाइल फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए हम अपने जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर सकें। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के साथ एक मसला आ रहा है, वो अपना नंबर इंटर करते हैं तो उनको जो वेरीफिकेशन कोड वाला मैसेज है वो मौसूल नहीं होता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि आपने पहले एक नंबर लगाना है, लगाने के बाद उस पर आपने अपना कोड मंगवाना है। अगर उस पर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उस नंबर को चेंज करके कोई और नंबर लगाएं, उस पर कंफर्म आपका जो कोड है वेरिफिकेशन कोड वो उसकी मैसेज लाजमी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक नंबर लगाया, इस पर अभी मैं वेट करता हूँ कि मुझे मैसेज आती है कि नहीं। फ्रेंड्स, इस पर मैंने पूरा एक मिनट वेट किया, मुझे नहीं आई, तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ। नंबर चेंज करने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे मैसेज मौसूल होती है कि नहीं। जी तो फ्रेंड्स, पहले वाले नंबर पे मुझे कोई वेरिफिकेशन कोड की कोई मैसेज मौसूल नहीं हुई। तो मैंने अभी टेलनोर का एक दूसरा सिम था मेरे पास, उसका नंबर मैंने यहाँ पर डाला है। तो फ्रेंड्स, उसकी मुझे मैसेज भी मौसूल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। 5 हिस्से वाला कोड आ जाता है हमें वेरिफिकेशन, तो वो मैंने एंटर करके यहाँ पे ओके किया। तो आपके सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा कंट्री रीजन जो है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं ओके करके यहाँ से एक मरतबा PUBG को लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करूँगा, तो मेरा जो रीजन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा।
फ्रेंड्स, दोबारा जब आप लॉगिन होते हो तो यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है और कंट्री रीजन चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, कंट्री रीजन चेंज पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने ओके का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ओके ओके पे प्रेस करते जाना है और आपकी गेम जो है खुद बहुत लॉग आउट हो जाएगी। आपने दोबारा से इसको लॉगिन कर देना है। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा कंट्री रीजन जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको हमारा पहले ही चेंज का ऑप्शन आता था, अभी 60 दिन का शो कर रहा है। मतलब ये है कि हमारा जो कंट्री रीजन चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।